आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा। अगर दोस्तों आप सभी लोग एक सीएससी वेली हो या दोस्तों अगर आप सभी लोग एक इंडिविजुअल मैन हो तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, यूआईडीआई ने अपने हाल ही के वर्कशॉप में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं आधार कार्ड की या यूआईडीआई की, जिसको दोस्तों लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों यूआईडीआई के पास ऐसे बहुत सारे लोगों की जरूरत है जो कि उनके आधार कार्ड के काम को संभाल सके। इसी के रिगार्डिंग दोस्तों सीएससी और यूआईडीआई ने मिलकर पीएएस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। अगर दोस्तों आप सभी लोग एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो या दोस्तों अगर आप सभी लोग एक इंडिविजुअल मैन हो तो आधार कार्ड के पीएएस आईडी को ले सकते हो एंड दोस्तों आधार कार्ड की सारे सर्विसेज को कर सकते हो एंड इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। अगर दोस्तों आप सभी लोग के पास आधार कार्ड का सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट है तो बहुत ही आसानी से आप सभी लोग को आधार पीएएस की आईडी मिल जाएगी या दोस्तों आप सभी लोग का क्रेडेंशियल बन जाएगा, जिसमें कि दोस्तों सैलरी बेसिस पे आप सभी लोग का काम होगा एंड दोस्तों रेगुलर बेसिस पे आप सभी लोग का काम होगा। ये लाइफ टाइम के लिए यूआईडीआई का प्रोजेक्ट चलने वाला है, तो दोस्तों आप सभी लोग को मिनिमम 20,000 से लेके 25,000 तक का सैलरी आप सभी लोग को पर मंथ मिलेगा। इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि आप सभी लोग आधार कार्ड के पीएएस पोस्ट के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करोगे। अगर दोस्तों आप सभी लोग कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो तो किस प्रकार से आप सभी लोग भी आवेदन कराओगे, तो इसकी पूरी डिटेल्स आप सभी लोग को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस कमाल के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मैं सीएससी के द्वारा जो ग्रामीण नौकरी पोर्टल दिया गया है उस वेबसाइट का लिंक आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी पोर्टल के माध्यम से दोस्तों आप लोग दोस्तों आधार पीएएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों इस वेबसाइट पे आप सभी लोग को आना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग को एक नोटिफिकेशन आधार सुपरवाइजर का देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आप सभी लोग को सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। सीएससी के द्वारा आधार सुपरवाइजर भर्ती स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि दोस्तों आप सभी लोग को मंथली सैलरी मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप सभी लोग 12th पास आउट हो तो बहुत ही आसानी से आप सभी लोग इस नौकरी के लिए, आधार सुपरवाइजर नौकरी के लिए यानी कि पीएएस पोस्ट ऑफ आधार सुपरवाइजर के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग को ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। कुछ बेसिक सी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है कि पोस्ट आधार सुपरवाइजर, अगर आप सभी लोग 12th पास आउट हो तो दोस्तों आप सभी लोग का बहुत ही आसानी से आधार सुपरवाइजर में भर्ती हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी लोग के पास कंप्यूटर नॉलेज यानी कि डीसीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि दोस्तों बेसिक कंप्यूटर कोर्स का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाके दोस्तों आप सभी लोग ये जॉब कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, अगर आप सभी लोग का उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है तो बहुत ही आसानी से आप सभी लोग को ये जॉब मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट वगैरह के नाम दी गई है कि इस डिस्ट्रिक्ट में आधार सुपरवाइजर के लिए होना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ खास बात आप सभी लोग को बता देना चाहता हूँ। आप लोग भारत के किसी भी स्टेट से हो, आप सभी लोग दोस्तों आधार सुपरवाइजर के लिए आवेदन कर सकते हो। आप सभी लोग के क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप सभी लोग को ये जॉब मिल जाएगा, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे आप सभी लोग डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी चेक कर सकते हो कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जो सीट है आधार सुपरवाइजर की वो खाली है एंड आप सभी लोग बन सकते हो। अगर दोस्तों आप सभी लोग को आवेदन करना है तो आप सभी लोग एक बार टिक करोगे एंड एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आप सभी लोग को अपना ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे आप सभी लोग को मोबाइल नंबर डालना है, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग को अपना पर्सनल डिटेल्स यानी कि आप अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालोगे, यहाँ पे जेंडर का सिलेक्शन करोगे, डेट ऑफ बर्थ का चयन करोगे, अपना मैरिटल स्टेटस यानी कि आप लोग सिंगल हो या मैरिज हो वो चूज करोगे, आप अपने फादर का नेम टाइप करोगे, अपने मदर का नेम टाइप करोगे। इसके बाद दोस्तों करंट स्टेटस यानी कि दोस्तों आप सभी लोग अभी फिलहाल कहाँ पे हो उसका पूरा एड्रेस डालना है, जिसके लिए आप सभी लोग अपना हाउस नंबर, फ्लैट नंबर या अपार्टमेंट नंबर डाल सकते हो। साथ ही साथ अपने सिटी का नेम डालिएगा, अपना पिन कोड डालिएगा, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नेम यहाँ पे टाइप कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों परमानेंट एड्रेस यानी कि दोस्तों आप सभी लोग का परमानेंट एड्रेस क्या है। अगर दोस्तों आप सभी लोग का करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही है तो आप सभी लोग को इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो सेलेक्ट एजुकेशन के ऑप्शन पे आओगे तो दोस्तों मिनिमम यहाँ पे आप सभी लोग को 12th पास आउट होना चाहिए, तभी जाके दोस्तों आप सभी लोग को पीएएस का जॉब मिलेगा यानी कि दोस्तों आधार सुपरवाइजर का जॉब मिलेगा, जिसके रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग को 12th के ऑप्शन पे चूज करना है। एजुकेशन में यहाँ पे आप सभी लोग को एचएससी 12th क्लास के ऑप्शन पे चूज कर देना है। जॉब रोल के ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे आप सभी लोग को अपने स्टेट का सिलेक्शन करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग को सभी डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे चूज कर लोगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जॉब लोकेशन का ऑप्शन दिया गया है तो आप किस प्लेस में अपना
जॉब लेना चाहते हो तो यहाँ पे मैं अपना जो भी एरिया है या जो भी जिस प्लेस में मैं जॉब लेना चाहता हूँ उसका मैं यहाँ पे चयन कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लिया है, पे बताया गया है फर्स्ट जॉब लोकेशन में आप लोग कौन से जगह में जॉब करना चाहते हो, सेकंड में अगर आप सभी लोग को फर्स्ट जगह में नहीं होता है तो सेकंड कौन सा प्रीफर करना चाहते हो, अगर दोस्तों सेकंड में भी आप सभी लोग का सिलेक्शन नहीं होता है तो थर्ड में कौन से ऐसे प्लेस है जहाँ पे आप सभी लोग जॉब करना चाहते हो, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग अपने थर्ड को यहाँ पे चूज कर लोगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है UIDAI सर्टिफिकेट डिटेल्स। अगर दोस्तों आप सभी लोग के पास आधार कार्ड का सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग अपने सर्टिफिकेट का नंबर डालोगे। आधार सुपरवाइजर का जो भी सर्टिफिकेट है दोस्तों वहाँ पे आप सभी लोग को अपलोड करना है। अपलोड करते दोस्तों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है एंड रजिस्टर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको अपने डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा। इसके बाद दोस्तों कुछ इंटरव्यू वगैरह आप सभी लोग का होगा, उसमें दोस्तों अगर आप सभी लोग का सिलेक्शन हो जाता है, सारी चीजें सही पाई जाती है तो दोस्तों आप सभी लोग का जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे जो साथ ही साथ दोस्तों CEC ग्रामीण नौकरी पोर्टल में जितने भी वैकेंसीज वगैरह आती है, जितने भी जॉब वगैरह आती है, उन सभी जॉब में दोस्तों सैलरी बेसिस पे जॉब होती है। PAS सुपरवाइजर का जो भर्ती आया हुआ है इसमें भी दोस्तों आप सभी लोग को सैलरी बेसिस पे मिलेगा, क्योंकि दोस्तों UIDAI और CSE खुद कंडक्ट करवा रही है आधार सुपरवाइजर की भर्ती। तो मिनिमम दोस्तों आप सभी लोग, मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ, मैं दोस्तों कोई कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, अंदाजे के तौर पे आप सभी लोग का जो पर मंथ का सैलरी हो सकता है वो दोस्तों 20,000 से लेके 25,000 तक के अंडर में हो सकता है। तो दोस्तों काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड दोस्तों यहाँ पे एक खास बात मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ, CSE वेली ये जॉब को नहीं कर सकते। अगर दोस्तों आप सभी लोग एक CSE वेली हो, आप सभी लोग के अपने परिवार में जो भी इलिजिबल हैं इस जॉब के लिए, जो भी एलिजिबल है इस जॉब के लिए वो लोग दोस्तों आवेदन कर सकते हैं, या दोस्तों अगर आप लोग CSE वेली हो तो आप लोग उनका आवेदन करवा सकते हैं। CSE वेली को ये काम या ये जॉब इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि दोस्तों CSE वेली एलिजिबल है आधार सेंटर ओपन करने के लिए, जिसमें कि दोस्तों आप सभी लोग को काफी ज्यादा अर्निंग हो जाता है। ऑफिशियल आधार सेंटर आप सभी लोग दोस्तों अपने घर में ओपन कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों ये जो सुपरवाइजर भर्ती है इसमें CSE लोगों को CSE वेली को एलिजिबल नहीं किया गया है। आशा करता हूँ दोस्तों आधार सुपरवाइजर की ये जो भर्ती आई हुई है इसके रिलेटेड आप सभी लोग को सारी जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं दोस्तों और किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड।